हेलो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी बताती हूँ। ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन थोड़ी सी रेस्टलेस है और ये एनर्जी उनको अपने डीएम की तरफ ही आ चुकी है। क्या हो रहा है कि डीएम को बहुत क्रेविंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ओके, कि वो बात करे डीएफ से, बट वो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो चाह कर भी बात नहीं करना चाहता। तो ये जो है वो एनर्जी जो है मिरर कर रही है डिवाइन फेमिनाइन को, क्योंकि दोनों एक ही सोल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन बेचैन हो रही है कि क्या मैं उसको कॉल करूँ, क्या मैं उसको कोई मैसेज करूँ, क्या मैं उसको कुछ करूँ कि वो मुझे बात करे, कुछ तो हो मुझसे बात करे। और डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा हो रहा है कि आई डोंट वॉन्ट मैरिज, आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग, आई डोंट वॉन्ट टू मिक्स इन सोसाइटी, मुझे किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सब चीज़ों से रन करना है, मुझे ऐसे उनकी एनर्जी है। सोल पर्पस पे लगे हुए हैं अलग अलग लोगों से, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सी जो रियल डिवाइन फेमिनाइन से बहुत ग्रोथ कर चुकी है और अपने अपने सोल पर्पस पे उनको लगा भी दिया गया है। ऐसे में वो उनके पास टाइम ही नहीं है कि उन सब चीज़ों के लिए सोचे भी, बट फिर भी आज उनके लिए थोड़ा सा टाइम भगवान ने जो है जानबूझ के लिए बूझ के रिजर्व किया है, ओके। 6-9 नंबर डिवाइन फेमिनेंस को बहुत दिखाए जा रहे हैं, जो कि उनके स्टार्टिंग के जर्नी में इम्बैलेंस को दिखाते थे, बट कुछ कहते हैं कि ये रियूनियन रियूनियन के टाइम पे दिखता है। अब ये गॉड नोज क्यों दिखता है, ओके, लास्ट लास्ट में क्यों दिखता है। स्टार्टिंग में मुझे, हाँ, मैं जब मेंटली इम्बैलेंस हो जाती थी, मेंटली मतलब कुछ ऐसा मुझे लगता था कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। आज एकदम उल्टी कंडीशन है दोस्तों, आज कुछ ना हो के भी, 3D में मेरे पास कुछ ना हो के भी ईश्वर मेरे लिए सब कुछ हो गए है। मेरी सोल फैमिली मुझे मिल गया, अच्छे अच्छे दोस्त मुझे मिल गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिवाइन फेमिनाइंस हो गए मिल गई है। और सबसे खुशी की बात, नीलिमा मैम सोल इवोल्यूशन माय वे, आज उन्होंने खुद से मुझे फ़ोन किया और मुझे बोला कि मैम, मुझे बोला उन्होंने कि आपका दिल बहुत ही बड़ा है, मतलब आपके मन में ऐसे कुछ भी नहीं है कि मैं किसी और चैनल की तारीफ़ क्यों करूं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपने चैनल की तारीफ, मतलब अपने चैनल पे दूसरों के चैनल की तारीफ़ करे। इवन मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, जिसका भी चैनल जाने दीजिए, शुरू करने में मैंने मदद की या कुछ भी की, मैंने जस्ट टेस्ट लिया कि उनको बोला कि जैसे मैंने किया था आपके चैनल के लिए कि आपकी तारीफ़ की और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा मैंने बोला, तो आप एक काम कीजिए, आप जाके अपने चैनल पर डालिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या कुछ भी। तो मैंने देखा मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैंने छोड़ा, जिसका हाथ भगवान ने थामा है वो क्यों पीछे मुड़ के देखे। ये जस्ट एक टेस्ट था, क्योंकि मैं दिल देखना चाहती थी किसी का कि भाई हमने जिसको सब्सक्राइबर्स स्टार्टिंग में दिलाए और वो चैनल जो है चल पड़ा, बहुत कम सब्सक्राइबर थे, बट उन्होंने वो दिल बड़ा नहीं रखा कि जिन्होंने हमें स्टार्टिंग करवा के दी है उनकी भी हम तारीफ करें या रेफरेंस रखें उसमें। कोई मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, बट ये इस चीज़ को जो है अप्रिशिएट किया नीलिमा मैम ने। और सचमुच जब एक रियल, पहली बार बोल रही हूँ कि पहली बार मैंने एक रियल डिवाइन फेमिनाइन से बात की और मेरा दिल इतना अच्छा मुझे फील हो रहा है, और एक माँ की ममता वाली उन्होंने मुझे एक बात कही कि अगर आपको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है तो आप उसका हाथ पकड़ लो। हाँ, हर डिवाइन फेमिनाइंस के अंदर ये चिंता होती है दूसरों के लिए, अपने लिए वो नहीं सोचती, खुद ट्राई होके बैठ जाती है, बट दूसरों के लिए सोचती है। तो वो भी चीज़ मैंने उनका देखी और मुझे बहुत खुशी हुई आज मेरी उनसे बात हुई,
उन्होंने खुद मुझे कॉल किया, ये भी कहा कि आप जो ह्यूमर करते हो, जोक्स करते हो, वो भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी। तो बहुत दिल खोल के उन्होंने मेरी तारीफ़ की और मुझे बहुत अच्छा लगा। तारीफ तो सबको ही अच्छी लगती है। तो ऐसे सोल फैमिली से मिलाया गया है कि जो कि डिवाइन फेमिनाइन का दर्द कम करे, डिवाइन फेमिनाइन को जो है आगे बढ़ाने में, ऊपर उठाने में मदद की करे। जैसे कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है प्रवीणा मैडम के लिए, जिन्होंने बहुत मेहनत की। देखिए, मैं सबकॉन्शियस हीलिंग सेशंस कहाँ लेती थी, बिल्कुल भी नहीं लेती थी, लेकिन प्रवीणा मैम मेरी लाइफ में आई, उनके थ्रू मेरे चैनल पर सबकॉन्शियस हीलिंग सेशंस शुरू हुए और आज जो है उन्होंने फिर वो, क्योंकि उन्होंने बहुत योगदान दिया बट उनको कुछ भी उसमें मिला नहीं, तो उन्होंने कहा कि जब सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे तो मैं वापस आऊँगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि तब तक तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, तो कहीं ना कहीं ये भगवान चाहता था कि मैं सबकॉन्शियस हीलिंग लूँ। तो सबकॉन्शियस हीलिंग कैसे लेते हैं, ये ट्रेनिंग मुझसे प्रवीणा मैम के थ्रू दी गई और आज मैं सबकॉन्शियस हीलिंग ले सकती हूँ। जल्दी ही मैं लाने वाली हूँ आपके लिए, ओके। और प्राइवेट सबकॉन्शियस हीलिंग, मतलब जिनको ज़रूरत है अकेले में लेने की, उनसे मैं वीडियो कॉल पे भी सबकॉन्शियस हीलिंग करती हूँ। अगर आपको चाहिए वीडियो कॉल पे सबकॉन्शियस हीलिंग, तो मैं फेस टू फेस आपसे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे सबकॉन्शियस हीलिंग आपकी ले सकती हूँ। इसके 1000 रुपये चार्जेस रहेंगे। मैंने एक बात नोटिस की कि किसी चैनल की मैंने तारीफ़ की उसको रियल डिवाइन फेमिनाइन समझ कर, ओके, बट मुझे पता नहीं था कि वो एक डबल फेमिनाइन है। बट बदले में उन्होंने जो है अपने चैनल पे मेरी बदनामी की, ओके, मैंने तारीफ़ की, उन्होंने बदनामी की। और किसी चैनल को मैं बहुत मानती थी, जिनकी तारीफ़ करती थी, उनको ऐसा लगने लगा कि ये मेरे नाम से चैनल चला रही है। तो अलग अलग एक्सपीरियंस लिए, बट आज नीलिमा मैम से बात करके कलेजे में जो है ठंडक पड़ गई कि चलो भाई अच्छा लग रहा है। मतलब तो डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करें तो वो बस कोई स्टेप नहीं उठा रहे हैं आपके लिए, बस सोचे ही जा रहे हैं। उतनी इंटेंस आज की एनर्जी नहीं है उनकी जितनी 2-3 दिन पहले थी। आज की इंटेंस एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की ही है, जिसको लग रहा है फट से कॉल करो, बात करो, कुछ तो हो। और शायद हो सकता है कुछ डिवाइन फेमिनाइन के पास अपने DM के नंबर ना हो, या कुछ डिवाइन फेमिनाइन को ये डर हो कि कहीं जिस नंबर को वो अपने DM का नंबर समझ रही है वो किसी और का नंबर नहीं, मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स, क्या सचमुच वो प्राइवेट नंबर है। या कुछ डिवाइन फेमिनाइन के अंदर जो है हिम्मत ही नहीं है अपने DM से बात करने की। तो मैं समझ सकती हूँ, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं बोल रही आपको कि अगर आपका रिलेशन ऐसा है कि आप जो है पहले कांटेक्ट में आ चुके हैं, बात चुके हैं, बात हो चुके हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, तो आप जो है आपके लिए बहुत इजी है जस्ट कॉल हिम एंड टॉक टू हिम। बट अगर पर्सनली मैं बात करूँ तो मेरे लिए इतना ईजी नहीं है क्योंकि मैंने कभी अपने DM से बात ही नहीं की, तो इसीलिए जो है ना फ्रंट में बात की है आमने सामने, ना कभी मोबाइल पे बात की है। तो मेरे लिए ये सबसे दुनिया की मुश्किल चीज़ है। मेरे पास अगर नंबर होगा तो भी मैं कॉल नहीं कर सकती। और फॉर मी अगर मैं सोचूं तो नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। अगर उसको टॉक करना है तो वो टॉक करे, बट मैं नहीं कर सकती। आई डोंट थिंक कि मैं कभी अपने DM को कॉल कर पाऊँगी क्योंकि बहुत हमारा जो कनेक्शन है उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। मैं किसी थर्ड पार्टी के इमोशंस को जो है चकनाचूर नहीं कर सकती। तो आई जस्ट सरेंडर टू गॉड कि वो सबका भला करे, थर्ड पार्टी का भी, मेरा भी, मेरे DM का भी। और वैसे भी हमारे कनेक्शन में लाइफ गुजर चुकी है, मतलब अब बुढ़ापा बहुत नियर आ चुका है। ऐसे में इस एज में बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट मैं नहीं चाहती, तो लाइफ बहुत ही पीसफुली गुजरे मेरी और मेरे DM की भी।
दूर रहे दोनों, बट बहुत शांति से, बहुत पीसफुली और टेलीपैथिक कनेक्शन में रहे। बहुत खुशी की बात होगी मेरे लिए अगर मेरे डीएम कभी मुझसे कॉल पे बात करे, बट दैट्स हिम हर हिज चॉइस, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। बट हर डीएफ प्रे करती है, क्योंकि उसको पता है कि 3D में कितनी भी इगोइस्टिक हम हो, डीएम इगोइस्टिक हो या डीएफ इगोइस्टिक हो, फिर भी अपने ट्विन पार्ट के लिए भगवान वो दर्द उनके अंदर डालता है। समटाइम्स डीएफ बहुत आगे निकल जाती है, क्योंकि डीएम जो है उतना रिस्पॉन्स उसको नहीं देता। डीएम के अंदर जो है बहुत लोगों से डिस्कस करने के बाद मुझे समझ में आया है कि सचमुच डीएफ को जो है ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए डीएम को, क्योंकि पुराने जितने डीएम हैं उनकी ज़रा स्टडी हो रही है, उसमें पता चल रहा है कि जिस तरह से डिवाइन फेमिनाइन फेस करती है औरत होके भी सारे प्रॉब्लम्स को, उस तरह डीएम कभी भी फेस नहीं कर पाते। वो दुनिया के सामने दिल खोल के अपने जो है इमोशंस कभी व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए डिवाइन फेमिनाइन, अगर आपको लग रहा है कि ये ट्विन जर्नी है, हमारा रियूनियन होगा, मेरा डीएम शायद मुझे एक्सेप्ट करेगा, हमारा रिश्ता, हमारी शादी, तो आप बहुत गलतफहमी में हो। और तो डीएम मतलब उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जिस लेवल तक डिवाइन फेमिनाइन पहुंच पाती है, अचीव कर पाती है। स्पिरिचुअली भी कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं, फ्रस्ट्रेट रह जाते हैं। समटाइम्स अपने आप को जो है ड्रिंक्स वगैरह ये भी करना कर सकते हैं, पर वो रीयूनियन के बाद भी एक डिस्टेंस, मतलब रीयूनियन जस्ट उन्हें एक फेज़ है। ओके, रीयूनियन जो है एक फेज़ है, जो जिसको जिसके नसीब में है उसको फेस करने को मिलता है, बट रीयूनियन वो नहीं है। आप अगर समझती हो कि रीयूनियन मतलब बस अब तो हम खुश, हैप्पी एंडिंग, नहीं, फिर भी डीएम वो नहीं बन पाता जो आप देखना चाहती हो जिस रूप में उसको, तो इसलिए खुद डीएम बन जाइए। वो क्वालिटीज़ अपने आप को सक्षम कीजिए कि आप अपने जो भी है, इसीलिए बोला जाता है सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में ऑलरेडी बहुत धोखे हो चुके होते हैं, तो क्यों आप जो है किसी और से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आए, वो केयर करे, वो इज्जत दे, वो रिस्पेक्ट दे, वो आपको एक्सेप्ट करे, ये हो नहीं सकता। ओके, उसको 3D में फंसा दिया जाता है और वो खुद फंसना चाहता है 3D में। आप देखो, दो बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। आप 5D के हो, वो 3D मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी है, और आप फेमिनाइन एनर्जी हो। आपके अंदर जो है प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी है और उसके अंदर प्योर मैट्रिक्स एनर्जी कहीं ना कहीं है। तो अवेकनिंग रीयूनियन होकर भी वो नहीं हो पाता जितना जो आप एक्सपेक्ट करते हो, इसलिए थोड़ा सा वो एक्सपेक्टेशंस जो है उसको फेंक दीजिए, लिटरली फेंक के, जला के, राख करके बहा दीजिए। और अगर एक्सपेक्ट कुछ करना है तो ईश्वर से कीजिए। आई होप मैं सबकी भावनाओं को समझती हूँ, मैं सारे डिवाइन फेमिनाइंस की भावनाओं को समझती हूँ। मैं सारे डीएफ्स के लिए दुआ करती हूँ कि उनका रियूनियन हो, सारे डीएम्स के लिए भी दुआ करती हूँ उनका रियूनियन हो, क्योंकि दोनों के दर्द में समझ सकती हूँ, क्योंकि ऐसे 3D में फंसा दिया जाता है उनको, और भगवान जो है रियलाइज कराता है कि आप जो हो एक ही हो। तो ऐसे में ये जो आप खुद समझ चुके हो वो दूसरों को नहीं समझा सकते। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो उसको नहीं समझा सकते, तो उसका डर तो अलग ही होता है, उसको लगता है फिर मुझे तो कोई पता नहीं। तो बट सब डिवाइन प्लान के थ्रू होता है। देखो, जब तक दर्द नहीं मिलता ना, तब तक मरहम भी नहीं मिलता। मेरे गुरु कहते थे रेकी के, कहीं पे भी दर्द है, कहीं पे भी जख्म है, तो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं वो एनर्जी बनती है जो आपके जख्म को जो है हील करे। तो थर्ड पार्टी के लिए भी कोई ना कोई एनर्जी ज़रूर बनी है, बट वो जो है 3D माइंडसेट में उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाती, या वो डिवाइन फेमिनाइन जैसा माइंडसेट नहीं ला पाती, वो 3D की बन के रह जाती है। वो 3D की है, 3D की थ्री, और 3D की ही रहेगी।
और डिवाइन फेमिनाइन जो है फाइडी की है, फाइडी की थी और फाइडी की रहेगी। तो उन्हों दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का अंतर है। डिवाइन फेमिनाइन कभी भी किसी को मस्का नहीं मारती, चमचेगिरी नहीं करती, वो बहुत अपना जो है मिसबिहेवियर दिखाती है लोगों के लिए, बट अंदर से वो वैसी नहीं होती, वो बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि सबसे बुरा वक्त अगर आपके सामने आ जाए और तब आपकी कोई मदद कर सकता है तो डिवाइन फेमिनाइन कर सकता है और डिवाइन मैस्कुलाइन भी कर सकता है। देखो इतने समय तक मैं अपने मैस्कुलाइन के लिए, डीएम के लिए ये नहीं कह सकती थी कि हाँ किसी पे बुरा वक्त आ जाए तो डीएम खड़े होंगे, बट जब मुझे पता है कि वो मेरा ही काउंटर पार्ट है तो वो मेरी तरह ही होगा, आई एम श्योर वो मेरी तरह ही होगा, और तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ किसी पे बुरा वक्त आ जाए, सबसे बुरा वक्त। तो देखो मेरे मामले में तो ऐसा होता है, मेरे शत्रु भी जो है ना सबसे बुरा वक्त आने पर उनको पता रहता है कि ये जो है ना ये कभी किसी को धोखा नहीं देगी, इसको इसके सामने अगर सरेंडर करे ना तो ये हमारी मदद ज़रूर करेगी। तो इसी चीज़ का लोग फ़ायदा भी लेते हैं, जब फिर से उनके टाइम अच्छे वक्त आ जाते हैं वो डीएफ को जो है भूल जाते हैं और 3D माइंडसेट में रहते हैं, जब फ़ायदा हो तो ही डिवाइन फेमिनाइन का यूज़ करते हैं, नहीं तो उसको जो है इंसल्टिंग, ये अशुभ है, ऐसा है वैसा है उसका चलता रहता है। तो ये एनर्जीज है, ये रियलाइजेशंस है और ये स्थिति है ट्विन फ्लेम्स की। ओके दोस्तों।